मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शाहबाद शुगर मिल के प्रांगण में सरकार की तरफ से करीब 99 करोड़ रुपए की लागत से एथनॉल प्लांट लगाया गया है। इस प्लांट के लगने से शाहबाद सहकारी चीनी मिल की आर्थिक दशा में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। इतना ही नहीं, युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। इस प्लांट से मिल की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने पर गन्ना काश्तकारों के गन्ने का भुगतान भी समय पर किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री आज करनाल से ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से शाहबाद शुगर मिल के प्रांगण में 99 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित 60 KLPD एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करने को प्रांत बोल रहे थे। इस दौरान शाहबाद में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण कुमार बेदी और उपायुक्त मुकुल कुमार शुगर मिल एथेनॉल प्लांट के उद्घाटन समारोह से ऑनलाइन प्रणाली से जुड़े रहे। हालांकि हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, शाहबाद के विधायक रामकरण काला, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल, प्रबंधक निदेशक जितेंद्र कुमार ने भी ऑनलाइन प्रणाली से हल्का वासियों को इस प्रोजेक्ट की सौगात देने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन प्रणाली से शाहबाद शुगर मिल की काया प्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा कि 6 जून 2016 में स्वर्ण जयंती स्कीम के तहत शाहबाद शुगर मिल में 30 KLPD एथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई थी। अब इस प्लांट का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इस एथेनॉल प्लांट की कमीशनिंग का कार्य उद्घाटन सत्र से ही शुरू हो गया है तथा कुछ सप्ताह ट्रायल का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही दिसंबर 2021 के अंतिम सप्ताह में पूर्ण उत्पादन का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चीनी मिलों के गौरवमय इतिहास को बनाए रखने व विदेशी मुद्रा को बचाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही ग्रीन फ्यूल मुहिम को बढ़ावा देते हुए मिल में ये 60 KLPD एथेनॉल प्लांट लगाया गया है, जिसमें मिल में उत्पादित होने वाले सीरे से एथेनॉल तैयार किया जाएगा। चीनी मिलों के आर्थिक दशा को सुधारने के लिए इस तरह के एथेनॉल प्लांट लगाए जाने अनिवार्य हैं। इस प्लांट से उत्पादित एथेनॉल को भारत सरकार की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को बेचा जाएगा। बाजार में बढ़ती पेट्रोल की कीमतों को नियंत्रित करने में एथेनॉल प्लांट मददगार साबित होगा। ये प्लांट मिल के आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। इससे मिल की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने पर गन्ना काश्तकारों के गन्ने का भुगतान समय पर किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण कुमार बेदी ने हल्का वासियों और किसानों को प्लांट के शुरू होने पर बधाई देते हुए और मुख्यमंत्री का किसानों की तरफ से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एशिया की सर्वश्रेष्ठ शाहबाद शुगर मिल में एथेनॉल प्लांट लगने से तरक्की और प्रगति के रास्ते खुल गए हैं। इस क्षेत्र के किसानों को इतनी बड़ी सौगात देने पर मुख्यमंत्री का नाम सदियों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा एथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण व आयात निर्भरता को कम करना है। EBP स्कीम के तहत सरकार द्वारा एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए लोन की ब्याज दर पर 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। वर्तमान में ऑयल कंपनी द्वारा पेट्रोल में 7.97% एथेनॉल का मिश्रण लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है तथा वर्ष 2024-25 तक पेट्रोल में एथेनॉल का 20% तक का मिश्रण करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए अनुमानित 988 करोड़ लीटर एथेनॉल की आवश्यकता रहेगी। इस समय देश में 424 सीरा आधारित एथेनॉल प्लांट स्थापित है। मार्च 2022 तक अतिरिक्त 93 एथेनॉल प्लांट स्थापित करने का अनुमान है। उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि एथेनॉल प्लांट का निर्माण कार्य पूरा होना शुगर मिल के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस मिल को आने वाले समय में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। द शाहबाद सहकारी चीनी मिल लिमिटेड ने पिछले पिराई सत्र 2020-21 में 76.81 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई करके 8.34 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया। इस मिल की रिकवरी 10.86% रही तथा 4.85 करोड़ यूनिट की बिजली निर्यात करके 19.64 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। इस सत्र 21-22 में 80 लाख क्विंटल पिराई, 11% शुगर रिकवरी, 8.80 लाख क्विंटल चीनी उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। शुगर मिल के MD वीरेंद्र चौधरी ने मेहमानों का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम के अंत में उपायुक्त मुकुल कुमार ने राजनीतिक सचिव कृष्ण कुमार बेदी व निदेशक नरेंद्र घराड़सी ने उपायुक्त मुकुल कुमार को स्मृति चिन्ह में शॉल भेंट किया। निदेशक बलदेव कल्याणा, बलकार सिंह, धर्मवीर सिंह, गुरराज सिंह, रणबीर सिंह, तुनखा नैब कौर, सुरेंद्र कौर को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर चीनी मिल के अधिकारी दीपक खटोर, मुख्य लेखा अधिकारी मुनीष अग्रवाल, मुख्य अभियंता सतबीर सिंह, मुख्य अभियंता DK गोयल, मुख्य रसायन विज्ञ यशवीर दलाल सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जैसे बताया हमारे सरकार का मंत्री जी ने कि कोई 50 लाख के लिए मोटर क्विंटल उस इलाके में बनना होता था, बाकी जो 10 से 15 लाख बेटे पहले उनके दवा बनना होता था दूसरे मिलों में और दूसरे मिलन की जो सड़क में
लकड़ी का स्टेट खोलने का उत्तर दिया गया था मुद्दे पर उसकी कीमत भी बात की। मेरा सब आपसे कहना है कि अब आपको उत्तर प्रदेश में ये बंगाल नहीं ले जाना पड़ेगा, सारा कश्मीर नहीं होगा। हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने करनाल से वर्चुअल तौर पर शाहबाद में एक ऐसे ऐतिहासिक प्लांट जो हमारा स्वर्ण जयंती के कार्यकाल के अंदर इसकी घोषणा की गई थी, आज उसका उद्घाटन करने का काम किया। और ये एथेनॉल प्लांट शाहबाद शुगर मिल के लिए नहीं, इस इलाके के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा और यहाँ के किसान की और शुगर मिल की माली हालत को सुधारने का ये महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। मैं इस अवसर पर हमारे जिला के उपायुक्त आदरणीय मुकुल कुमार जी का और हमारे एमडी शुगर मिल वीरेंद्र जी की पूरी टीम जिन्होंने दिन रात लग के एक तहस में पे इस एथेनॉल प्लांट को कंप्लीट करने का बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया, मैं पुनः आपके माध्यम से हमारे क्षेत्र के माननीय उपायुक्त जिनके नेतृत्व में इस सारे क्षेत्र के विकास कार्य चल रहे हैं इनका व्यवहार प्रकट करता हूं और शुगर मिल के सभी कर्मचारियों का और शुगर मिल के सभी डायरेक्टर्स का जिनकी कड़ी मेहनत और आपसी विश्वास के साथ ये हरियाणा की ऐतिहासिक शुगर मिल पूरे एशिया के अंदर हमारा गौरव है, हमारा मान सम्मान है। धन्यवाद।